हाय फ्रेंड्स, तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दशा कैरेक्टर है। ये फ्री फायर में हाल ही में आया हुआ कैरेक्टर है। तो आज हम दशा कैरेक्टर की एबिलिटी का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये दशा कैरेक्टर मेरे पास 6 लेवल मैक्स लेवल का है। तो मैक्स लेवल पे दशा कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है, तो मैं आपको पूरा A to Z डिटेल्स दूंगा। तो आप यहाँ क्लिप में देखिए, वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा A to Z आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप यहाँ देखिए, एक तरफ एडम कैरेक्टर है, एक तरफ दशा कैरेक्टर है। तो आप देखिए, दोनों एक साथ जंप किया, एक साथ तो नहीं, दशा बहुत पीछे जंप किया, बहुत पीछे जंप किया, लेकिन अब देखिए दोनों खड़ा कितना पहले होता है। यहाँ देखिए, दशा कैरेक्टर बहुत पहले खड़ा हो जाता है, वहीं एडम कैरेक्टर जो हाल ही में नाम बदल के परिबीस कर दिया गया है, वो कितना लेट से खड़ा, वो ये है दशा कैरेक्टर की एबिलिटी। कहीं से भी कूदेगा तो रिकवरी बहुत जल्दी होगा। दशा कैरेक्टर का जो है ना फुट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए देखिए इसका दूसरा एबिलिटी, इसके दशा कैरेक्टर जो है बहुत सारा एबिलिटी है, तो मैं आपको इसका दूसरा एबिलिटी बताता हूँ। यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ चिमनी पे उतरे हैं। अब देखिए, चिमनी पर से कूदते दोनों, एक तरफ एडम कैरेक्टर कूदता है, एक तरफ दशा कैरेक्टर। अब दोनों का हेल्थ देखिए, लेफ्ट साइड मैप मिनी मैप के नीचे देखिए भाई, एक मेरा हेल्थ देखिए दशा कैरेक्टर का, एक एडम कैरेक्टर का हेल्थ देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस। अरे भाई, यहाँ इनिमी है, तो मैं यहाँ इनिमी को जल्दी जल्दी गन लूट कर फिनिश करता हूँ। और आप देखिए, आपने देखा कि वहाँ से जब कूदा तो ये एडम कैरेक्टर पर पास सिर्फ 20 HP बचा, जबकि दशा कैरेक्टर के पास 105 HP बचा। समझिए कितना ज़्यादा का अंतर है। तो ये दशा कैरेक्टर की एबिलिटी है। दशा कैरेक्टर की एबिलिटी इतना ही नहीं है, एक सबसे बेस्ट एबिलिटी है जो आप लोग नहीं जानते हैं। आप सोचते हैं दशा कैरेक्टर के पास यही दो एबिलिटी है, कि वो जल्दी रिकवरी ले लेता है और दूसरा कि कहीं से भी कूदता है तो बहुत कम डैमेज पड़ता है, लेकिन इसका सबसे मेन एबिलिटी है कि ये जो है ना गन का रिक्वायल को लगभग 20% कम कर देता है, जिस कारण से OP हेड लगता है। तो मैं आपको थोड़ा अपना गेम प्ले दिखाता हूँ दशा कैरेक्टर के साथ, तब आपको पता चलेगा कि दशा कैरेक्टर की सबसे OP वाली एबिलिटी क्या है। आप सिर्फ देखिए भाई साहब, मेरा ऐसे ऑटोमेटिक बहुत कम हेड लगता है, लेकिन मैं जब दशा कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज कर रहा था तो मैं खुद देख करके हैरान रह गया कि साला कितना हेड लग रहा है। तो इस तरह, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि दशा कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। तो आप देखिए यहाँ पर, इस वाले मैच में मैंने 3 बंदा को वुड पीकर से लिटरली हेड मार करके मैच मुहैया कराया। आप यहाँ गौर से देखिए, एक बंदा को हेड देखिए, वो भी कितना गजब का हेड में मार रहा हूँ। अरे, 2 बंदा को हेड, आप देखिए 4 बंदा यही था। तो क्या हुआ, मैं पीछे भाग गया, पीछे हटना पड़ा। अब यहाँ देखिए, अब सिर्फ लास्ट बंदा बचा है, 2 को तो मैंने उधर मारा था फिर फिनिश कर दिया। अब यहाँ लास्ट बंदा बचा है और उसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। वो थोड़ा अच्छा बंदा है और पूरा मूवमेंट दिखा रहा था और बहुत तगड़ा खेल रहा था, लेकिन यहाँ आप सिर्फ देखिए, मैंने यहाँ पर क्या गजब का OP हेड मारा। तो आप लोग भी दशा कैरेक्टर का यूज कीजिए। मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर थोड़ा बहुत हेड आपको कम लग रहा है वन टैप, तो आप दशा कैरेक्टर का यूज कीजिए, आपका 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को 100% सब्सक्राइब कर दे।